Hello students, welcome in Archie Education Hub Bansuru online classes. Today we continue unit number 3, carbonyl compounds chemical property. Already we see in previous videos type of reactions, mostly nucleophilic addition reactions, oxidation reactions and also reduction reactions. Now we see next type reaction, fourth type reaction of carbonyl compound, that is रिएक्शन ऑफ फोर्थ टाइप की रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्केलाइन ग्रुप अब रिएक्शन ऑफ एल्केलाइन ग्रुप क्या होते हैं वो आप देखिए कार्बोनिल कंपाउंड में एल्केलाइन्स होते हैं ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड विच हैव अल्फा कार्बन कार्बोनिल कंपाउंडों में इफ प्रेजेंट अल्फा कार्बन ये वाला कार्बन है ये कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप है इससे फर्स्ट जो कार्बन है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स अल्फा कार्बन अंडरस्टैंड दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन उस पे अटैच जो हाइड्रोजन होती है इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन इसको मैं डिस्क्राइब रूप से कह रहा हूँ देखो CHO ग्रुप है इसके साथ में अटैच है CH3 ग्रुप ये वाला कार्बन कौन सा कहलाएगा अल्फा कार्बन कौन सा कहलाएगा अल्फा जैसे मैंने आपको देख दिया CH3 से डबल बॉन्ड OCH3 दैट इज कीटोन दैट इज कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन दैट कार्बन इज आल्सो कॉल्ड अल्फा कार्बन तो C डबल बॉन्ड और ग्रुप से अटैच फर्स्ट कार्बन क्या कहलाता है अल्फा कार्बन बोथ डायरेक्शंस अल्फा कार्बन इस पे अटैच हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स अल्फा हाइड्रोजन ये भी क्या कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन्स कहलाएंगे ओके ये सभी क्या है अल्फा हाइड्रोजन्स तो एल्केलाइन ग्रुप का मतलब होता है जिसमें क्या पाए जाते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होती हैं वो एल्केलाइन ग्रुप में आते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन से आपको चलने वाले स्टूडेंट वो देखो एल्केलाइन ग्रुप की कौन कौन सी हैं फर्स्ट रिएक्शन से अपने पढ़ने वाले वो देखो वो पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन क्या पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मीन क्या है एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वो फोर स्टेप में कंप्लीट होता है मोस्टली मिनिमम पर मान लो थ्री स्टेप में कंप्लीट हो जाता है पर फोर स्टेप में एल्डोल और कंडेंसेशन दो अलग अलग पार्ट है एल्डोल होगा फिर कंडेंसेशन कंडेंसेशन का मतलब होता है H2 का रिमूव होना ये कंडेंसेशन पार्ट होता है और एल्डोल होता है एल्डोल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो अपन तीन पार्ट में स्टडी करते हैं थ्री स्टेप में एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाता है जैसे ये जो कंपाउंड है जिसमें अल्फा कार्बन होता है वही कंपाउंड देते हैं जैसे ये आपने यूज किया एसीटल्डिहाइड क्या यूज किया अपन ने एसीटल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं देता फोरम एल्डिहाइड है ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है व्हाई इट डज नॉट एग्जिस्ट एल्डोल कंडेंसेशन बिकॉज इट नॉट हैव अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन्स इसमें अल्फा कार्बन हाइड्रोजन्स नहीं होते इसलिए क्या करता है एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है ओके ध्यान रखना स्टूडेंट अल्फा कार्बन होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन्स मस्ट बी होने चाहिए यहां पर आप देखिए इसमें अल्फा कार्बन है कि अल्फा हाइड्रोजन है कि यस ये वाला क्या करेगा एसीटल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन देगा इसके साथ में क्या होता है स्टूडेंट्स एक ही ग्रुप के दो मोल्स यूज करते हैं सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप और ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप और इनकी रिएक्शन डाइल्यूट एनिओएच की उपस्थिति में कराई जाती है किसकी प्रेजेंस में डाइल्यूट एनिओएच बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है तो ये वाली रिएक्शन जो कहलाती है कौन सी कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन यानी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन take place in the presence of dilute anions then the formation of alcoholic derivative that is called aldol that reaction is called aldol okay देखो तो product क्या बनेगा वो product अपने को देखना students यहाँ पर product जो बन जाता है वो होता है CH3COH और यहाँ पर बन जाता है CH2CH4 okay
ये अपने पास में प्रोडक्ट कहलाते हैं, और इस वाले को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसका आईपीएसी नाम भी दे सकते हैं और नॉर्मल नेम भी अपन इसका वो कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। क्या बन गया? थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल, ये कह सकते हैं, ये इसको कह सकते हैं अपन एल्डोल। क्या कह सकते हैं? एक वर्ड में क्या बोलते हैं इसको? एल्डोल। क्यों? एल्डोल मीन्स होता है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड ये वाला, और ये है ओएल का मतलब एल्कोहल। दैट मीन्स एक ही कार्बन चेन के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी है और साथ में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड। इसलिए क्या कहलाएगा ये? एल्डोल। और एल डी का मतलब एल्डिहाइड प्लस ओल का मतलब है एल्कोहल, यानी ओएच ग्रुप। दोनों ग्रुप होने के कारण दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? एल्डोल हो गया। ओके, अब ये रिएक्शन बना कैसे, होता कैसे, उसका मैकेनिज्म मैं आपको प्रोसेस में यहाँ पर बताने वाला हूँ। एल्डोल का प्रोसेस क्या होगा या मैकेनिज्म क्या होगा वो आप यहाँ पर देखिए। ये मोस्टली 3 से 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में? मोस्टली 3 या 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। देखिए कैसे कराते हैं उसको। इस रिएक्शन का एल्डोल कंडेंसेशन पार्ट आप देखिए इस टाइप से करा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो स्टूडेंट्स, के अंदर स्टेप नंबर फर्स्ट ये प्रोसेस है एल्डोल कंडेंसेशन का। फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स CH3C डबल बॉन्ड OH इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन। किसका? रिमूव ऑफ ए मोर एसिडिक हाइड्रोजन। इसकी प्रेजेंस में OH की प्रेजेंस, यानी BH की प्रेजेंस में एनिवर्सी रिएक्शन कराएंगे। एल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये H, ये भी H है और यहाँ पर ये भी क्या है? H। ये वाला किसको रिमूव कर देगा? यहाँ से ये वाला OH क्या बन जाएगा? H2। ये रिमूव हो गए यहाँ से, H2 - H2। क्या बन गया स्टूडेंट? यहाँ से H निकला, ये बच गया आपके पास में CH2 - CHO। ये कहलाता है क्या? इनोलेट आयन। क्या कहलाएगा? इनोलेट आयन। क्या कहलाता है ये? इनोलेट आयन कहलाता है। इस वाले के रिजल्टिंग स्ट्रक्चर भी अपन लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को स्टेप से भी लिख सकते हैं। ये वाला, ये अगर यहाँ पे माइग्रेट हो जाए ये वाला आयन यहाँ चला जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं उसको CH2 डबल बॉन्ड C, और ये आपके पास में हो जाएगा OH। ये कहलाता है इनोलेट आयन। ओके, ये जस्ट लाइक देखें नेगेटिव चार्ज है क्या? इसकी तरह बिहेव करता है ये न्यूक्लियोफाइल। कैसा है ये? न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब देखो स्टेप नंबर 2 में क्या होता है। स्टेप नंबर 2 में वेरी इजी है स्टूडेंट्स। अपन ने इस वाले एस्टल्डिहाइड के दो मोल यूज किए थे, एस्टल्डिहाइड दोनों का, दैट मींस उनकी रिएक्शन से अपन ने बनाया था 3 हाइड्रोक्सी एल्डोल। दूसरा मोल यूज करेंगे एल्डिहाइड का, एस्टल्डिहाइड का CH3C डबल बॉन्ड O। सेकंड मॉलिक्यूल अपन ने यहां पर यूज कर लिया, इसकी रिएक्शन फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो न्यूक्लियोफाइल बना था CH3CHO उसका एडिशन करेंगे। देखो ये वाला ग्रुप यहाँ माइग्रेट करेगा तो कौन सा होगा? नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब ये कहाँ अटैक करेगा? इस वाले पर अटैक करता है। दैट मींस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड में। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे यहाँ पर एडिशन हो रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 कार्बन के साथ कौन जुड़ गया? ये हो गया O- हो गया, यहाँ जुड़ गया CH2 और ये वाला आपके पास में जुड़ गया CH2। ये वाला कंपाउंड अपने को मिल चुका है नहीं? ये वाला, इस वाले का एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप में, स्टेप नंबर जो थर्ड आते हैं, स्टेप थर्ड में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। क्या कराते हैं इसका? हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। इस वाले का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, यानी CH3CO + CH2CHO का एसिडिक मीडियम में H+ आयन की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। जैसे हाइड्रोलाइसिस करवा दिया तो H+ आयन कहाँ जुड़ेगा? OH पे। जैसे यहाँ पे जुड़ाएंगे तो ये ग्रुप बनेगा CH3COH CH2CHO। और ये जो प्रोडक्ट आपके पास में बना है, इस प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं? एल्डोल। क्या कहते हैं इसको? एल्डोल कहा जाता है। ओके, तो ये कहलाता है एल्डोल कहलाता है। नेक्स्ट वाले अपन बात करने वाले, वी कैन सी नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड एल्डोल। कंडेंसेशन पार्ट है वो स्टेप नंबर 4 में जाता है। इसमें जाएगा स्टेप नंबर 4। देखिए
अब ये प्रोडक्ट अपन ने जो बनाया है तीसरे स्टेप में वो कहलाता है एल्डोल। क्या बना लिया अपन ने? एल्डोल। स्टेप नंबर 4 में क्या हुआ वो आप देखिए। अब ये प्रोडक्ट मैंने बनाया स्टूडेंट CH3CHOH CH और ये मेरे पास में CHO, ओके CHO, यही था। कंडेंसेशन का मतलब स्टूडेंट होता है इसको गर्म करना। क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो क्या होगा, ऐसे इस वाले से यहाँ से तो OH और यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक H। दैट मीन्स किसका रिमूव हो गया, कंडेंसेशन का मतलब हो गया H2 का निकल। जैसे यहाँ से H2 निकल रहा है तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। दैट मीन्स ये वाला कार्बन हो गया ऐसे CH3CH डबल बॉन्ड CHCH। ये बन गया आपके पास में CH3C डबल बॉन्ड CHOCH। ये कहलाता है क्रोटोनोएल्डिहाइड। मैंने आपको इसका जनरल कॉमन नेम बताया था, इस वाले कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है, क्रोटोनोएल्डिहाइड होता है। क्या होता है? क्रोटोनोएल्डिहाइड। ये कहलाता है, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, ये वाला अल्फा, ये वाला क्या बीटा, इसका और नाम क्या हो सकता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ये भी नाम हो सकता है इसका। या दूसरा नाम क्या हो सकता है, नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 क्या होगा, 2 in 2 in 4 कार्बन है तो क्या कहेंगे, ब्यूटेनेल। क्या लगा देंगे, 2 in ब्यूटेनेल, ये बीसी का नाम होता है। तीन टाइप के नेम मैंने यहाँ पे दिए, किसी भी नेम से इसको पूछा जा सकता है, इंक्वायरी कह सकते हैं कि टाइप क्वेश्चन होगा, 2 in ब्यूटेनेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा, वो अपन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये तो था कौन सा, एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, दो कार्बोनाइल कंपाउंडों को यूज करते हैं, डेट में भी एल्डिहाइड, डेट में भी कीटोन्स। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के साथ में एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है, वहां पर क्या होगा, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, अल्फा हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो जाएगा। और अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद तीन स्टेप में प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या बनता है, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है पहले स्टेप में, एच निकलने के बाद सी एच टू ग्रुप, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है स्टेप नंबर 2 में, किसके ऊपर, दूसरे वाले ग्रुप के ऊपर। जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है तो वहां पर एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, उस एडिशन प्रोडक्ट को एसिडिक मीडियम में एच प्लस आयन मिलता है तो ओ एच ग्रुप बन जाता है। वो प्रोडक्ट जो अपने पास में बन गया उस प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं, उस प्रोडक्ट को अपन कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं, एल्डोल, क्योंकि उसमें एल्कोहलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। अब एल्कोहलिक ग्रुप वाले में अगले वाले स्टेप में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है ये वाला, और यहाँ से ओ एच ग्रुप था और ये एच, ये तो था अपने पास में क्या, एल्डोल। क्या है ये, एल्डोल बना है। इस वाले का अपन ने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, यहाँ से ओ एच ने यहाँ से एच निकाल दिया, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये अपने पास में क्या कहलाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। क्या कहलाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहलाएगा। ओके, ये होता है एल्डोल कंडेंसेशन, ये नॉर्मली अपन इसके अंदर देखा है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसी से मिलता हुआ एक नेम है नेक्स्ट है, सेम अपन ने देखा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड दो मोल्स अपन यूज कर रहे हैं, अगर अपन डिफरेंट यूज कर लें, दैट मीन्स एक अपन यूज कर लें CH3C डबल बॉन्ड OH, दैट इज एल्डिहाइड, एंड सेकंड भी यूज कीटोन। क्या यूज कर लें, कीटोन C डबल बॉन्ड OH, एक प्रोसेस तो ये हो गया। और अगर अपन यूज कर लेते हैं, एक तो अपन यूज कर लें एसिटाल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा भी एल्डिहाइड यूज कर लें तो इससे डिफरेंट, जैसे मैंने ले लिया प्रोपेनॉल। क्या ले लिया स्टूडेंट, CH3CHO, ये क्या है, प्रोपेनॉल। तीन कार्बन है क्या, ये कितने कार्बन है, दो। क्या है, एसिटाल्डिहाइड, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टू एल्डिहाइड्स को अगर मैं यूज करता हूँ, या मैं एक एल्डिहाइड या एक कीटोन को यूज करता हूँ, तो उनकी अलग है, डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं, तो वो कहलाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या कहलाएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इफ वी यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप एल्डिहाइड और कीटोन्स, देन दैट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और इट गिव्स 4 टाइप प्रोडक्ट्स। कितने टाइप के प्रोडक्ट देता है ये, 4 टाइप के प्रोडक्ट आपको देता है,
सेल्फ कंडेंसेशन के थ्रू और क्रॉस कंडेंसेशन के थ्रू आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलते हैं, वो अपन एग्जांपल के थ्रू उसको देख सकते हैं। ओके, कौन से वाले कंपाउंड में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में एग्जांपल के थ्रू अपन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है, एग्जांपल मैं ले रहा हूं उसको आप देखिए, मैंने यहाँ पर यूज किए हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। ये तो मेरे पास में है क्या, एसिटल्डिहाइड दो कार्बन का, और ये कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, प्रोपेनेल एल्डिहाइड, ये प्रोपेनेल एल्डिहाइड यूज कर लिया, इसका मैंने क्या कराना है एल्डोल कंडेंसेशन इन डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। ओके, जैसे आप इसका कराएंगे कंडेंसेशन क्या होगा, इस वाले पार्ट में CH3 C डबल बॉन्ड OH का रिएक्शन कर रहा है CH3 CH2 CHO4 डायरेक्ट NaOH, तो चार प्रोडक्ट बनेंगे, कितने बनेंगे यहाँ पर, फोर प्रोडक्ट। कैसे, पहली कंडीशन बनती है कि CH3 C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है ये खुद से ही कंडीच हो जाए, दैट मींस CH3 की रिएक्शन CH3 से अपन ऑलरेडी करा चुके हैं, तो दो प्रोडक्ट तो वहां से मिल जाएंगे अपने को। ओके, दूसरा ये वाला ग्रुप है ये खुद से सेल्फ कंडेंसेशन हो जाए, यानी खुद से खुद ही रिएक्शन कर ले, तो दो प्रोडक्ट अपने को, एक प्रोडक्ट तो अपने सेल्फ कंडेंसेशन से यहाँ से मिल जाएगा, एक प्रोडक्ट अपने को यहाँ से मिल जाएगा। ओके, सेकंड वाले में तीसरा प्रोडक्ट, इस वाले को न्यूक्लियोफाइल बना लें, इस वाले को क्या कर लें अपन इलेक्ट्रोफाइल मान लें, एक प्रोडक्ट इन दोनों की रिएक्शन से मिल जाएगा, तीसरा प्रोडक्ट अपने को हो जाएगा ये। दूसरा, इस वाले को अपन न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कर ले, यानी इनोलेट आयन इसका बना ले, और एक इनोलेट आयन इसका बना ले, चौथा प्रोडक्ट अपने को बन जाएगा, इसको अपन न्यूक्लियोफाइल के रूप में यूज करें। इस प्रकार से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आपको फोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होता है ये मैंने आपको राइटिंग वाले पार्ट में ऑलरेडी दे रखा है, वहां पर आपको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से हो जाएगा। ओके, तो टुडे वी सी एल्काइन टाइप की रिएक्शंस हैं वो अपन स्टडी किए हैं, और इसमें एक दो रिएक्शन है, एक तो एल्डोल रिएक्शन है और एक क्या अपने पास में क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। इसी से मिलता हुआ नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन है एल्काइन टाइप की रिएक्शन में, दैट इज है कैनिजारो रिएक्शन। कौन से स्टूडेंट्स, कैनिजारो रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और लास्ट रिएक्शन है, कौन से वाली, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन होती है, क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन वाले पार्ट से डिफरेंट मिलेगा आपको, वो क्या रहेगा, इसमें इसमें जो कंपाउंड रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। किस टाइप से बनेगा, यू कैन सी एल्डोल कंडेंसेशन में अपन यूज करते हैं एल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, क्या होना चाहिए एल्डोल में, एल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, बट इन दिस एल्फा हाइड्रोजन डजंट प्रेजेंट, एल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। आपने देखा था स्टूडेंट्स एल्डोल कंडेंसेशन में फोरम एल्डिहाइड जो था HCHO, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है, बट ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, दैट मींस कैनिजारो रिएक्शन में क्या होना चाहिए, एल्फा कार्बन नॉट प्रेजेंट, यानी एल्फा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, एल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, ये कैनिजारो रिएक्शन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, किसके अंदर एल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। ओके, देखो कैनिजारो रिएक्शन में क्या करते हैं, एल्डिहाइड विच हैव डजंट हैव एल्फा हाइड्रोजन्स, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें एल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जस्ट लाइक फॉर्मेल्डिहाइड एल्फा हाइड्रोजन होता है क्या, नहीं होता, ये क्या करेगा कैनिजारो रिएक्शन आपको देगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड मोस्टली अगर दोनों की रिएक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, कंसेंट्रेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, एक वाला क्या हो जाएगा, वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज एंड वन मॉलिक्यूल इज रिड्यूस, That is formation of alcohol and there will be formation of a carboxylic group. Very simple reaction. देखो कैनिजारो रिएक्शन का मतलब है, कंडीशन देखिए, फर्स्ट ऑफ कंडीशन क्या है, एल्फा हाइड्रोजन
नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल HCHO डेट इज फोरम एल्डिहाइड, क्या है ये फोरम एल्डिहाइड, इसका दूसरा मॉलिक्यूल HCHO फोरम एल्डिहाइड, दोनों के अगर प्रोजेक्शन कराते हैं इसकी प्रेजेंस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर सकते हैं, यानी इसमें यूज जब हम लोग करते हैं KOH को कौन सा होता है एल्कली KOH की बजाय एल्कली KOH को यहाँ पर यूज करते हैं। देखो क्या बनता है इसमें, इस वाले अपन यूज करेंगे एल्कली KOH को क्या बनेगा, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसका तो हो जाएगा रिडक्शन, और ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड है इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इसका रिडक्शन होने का मतलब है कार्बोनाइल कंपाउंडों का रिडक्शन कराते हैं, तो इसमें एक ही कार्बन है तो क्या बनेगा इसका, एक का रिडक्शन कराएंगे तो एक कार्बन में क्या बन जाएगा एल्कोहल, और इस वाले का अगर अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बन जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ। वेरी सिंपल रिएक्शन, एक कंपाउंड का तो रिडक्शन करा दो, एक वाले दूसरे वाले क्या करा दो ऑक्सीडेशन करा दो, यानी एक से तो क्या बना दो एल्कोहल और एक से क्या बना दो एसिड बना दो, यही क्या है केनिजारो रिएक्शन है। आई बस उनमें ये केनिजारो रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन होती है, अपन कह सकते हैं डिसप्रोपेगेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। डिसप्रोपेगेशन का मतलब है एक ही टाइप के कंपाउंड यहाँ पर यूज करते हैं जिसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है एक का रिडक्शन होता है, दो टाइप के कंपाउंड बनते हैं। कितने टाइप कंपाउंड बन रहे हैं यहाँ पे, अपन ने स्टार्टिंग मेटल एक ही लिया था पर कंपाउंड कितने टाइप के बन रहे हैं, टू टाइप्स कंपाउंड आर फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड डिसप्रोपेगेशन। डिसप्रोपेगेशन का रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम में आ जाता है आया हुआ क्वेश्चन से, तो आप क्या करेंगे केनिजारो रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड केनिजारो रिएक्शन। ओके ये मस्ट भी है क्या है केनिजारो रिएक्शन के लगती है, इस केनिजारो रिएक्शन को अपन यूज कर सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो केनिजारो रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा बेंजाल्डिहाइड होता है C6H5CHO, ये भी क्या देता है केनिजारो रिएक्शन देता है। ओके जस्ट लाइक एल्डोल कंडेंसेशन केनिजारो रिएक्शन। अब देखो सेकंड अपने पढ़ा था क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कौन सा पढ़ा था क्रॉस एल्डोल, वैसे ये भी क्या होता है क्रॉस एल्डोल की तरह, ये भी क्या होता है क्रॉस केनिजारो रिएक्शन, क्या होती है क्रॉस केनिजारो रिएक्शन होती है, और सेम होगा क्रॉस केनिजारो में क्या होगा इसमें अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड को यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर यूज कर लिया ये क्या है एसिटल्डिहाइड, और इसके साथ में मैंने क्या यूज कर लिया यहाँ पर यूज कर लिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड, क्या यूज कर लिया फॉर्मेल्डिहाइड, दो टाइप के एल्डिहाइड हो गए इसलिए कौन सा कहलाएगा ये क्रॉस केनिजारो रिएक्शन कहलाएगी। उसमें एक वाले का क्या कराएंगे अपन ऑक्सीडेशन कराएंगे और एक का क्या कराएंगे रिडक्शन, दैट मींस बेंजीन वाले का कराया तो अपन ने एल्कोहल बना दिया CH2OH, ये तो बन गया इसका तो एल्कोहल बन गया, दूसरे वाले क्या बना देंगे अपन एसिड बना देंगे, ये बन गया इसका केस सिंपल रिएक्शन। वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज सेकेंड इट रिड्यूस दैट इज कॉल्ड केनिजारो रिएक्शन। इन दिस वी ऑलरेडी सी टाइप ऑफ रिएक्शंस इन एल्कलाइन्स ग्रुप विच हैव एल्फा कार्बन्स एल्फा हाइड्रोजन्स दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन, then we see cross aldol condensation different type alcohols between, then we see केनिजारो reaction and again we see last in cross केनिजारो reaction। okay that is sufficient, that is fourth type reaction of carbonyl compounds, that is group reaction of alkaline group, very important reaction students। यहाँ से oxidation reduction और alkaline group में name reactions हैं 5-7 reactions, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से निकल जाते हैं 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन। ओके तो केयरफुली इनको स्टडी करना, ऑलरेडी आपको इसका राइटिंग पार्ट है वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ऑलरेडी सी यू कैन सी अगेन एंड प्रैक्टिस ऑन दिस टाइप क्वेश्चन, इजीली ट्रिक्स आल्सो टेक यू इन नोट्स पीडीएफ। ओके थैंक यू सो मच।